नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम आई टी आई टी ओ एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं अभी जो आई टी आई टी ओ का एग्जाम होने वाला है कोपा ट्रेड के लिए उसमें कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या साइबर सिक्योरिटी से भी पूछे जा सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं पहले हम यह समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी होती क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारे जो हार्डवेयर पार्ट है सॉफ्टवेयर है उसमें स्टोर डेटा है हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको सिक्योर करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब केवल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने से नहीं होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है हमारा जो हार्डवेयर पार्ट है सॉफ्टवेयर पार्ट है नेटवर्क है हमारा और उसमें यूज होने वाला डेटा इन सभी चीजों को सिक्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हमारे नेटवर्क को सॉफ्टवेयर को डेटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सी आई ए का क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सी आई ए का क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें कहा जाता है सी आई ए सी आई ए का फुलफॉर्म क्या होता है कॉन्फिडेंटिलिटी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें शॉर्ट में सी आई ए कहा जाता है सी आई ए मतलब कॉन्फिडेंटिलिटी इंटीग्रिटी और एविलेबिलिटी कॉन्फिडेंटिलिटी का मतलब क्या होता है गोपनीयता इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है अखंडता और एवेलिबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर तीन ऑब्जेक्टिव यूज किए जाते हैं जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है सी आई ए कॉन्फिडेंटिलिटी इंटीग्रिटी और एविलेबिलिटी तो सी आई ए का होता है कॉन्फिडेंटिलिटी इंटीग्रिटी और तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा confidentiality, integrity, देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन को next है डेटा सिक्योरिटी में डीईएस का फॉर्म क्या होता है डीईएस का फॉर्म क्या होता है डीईएस डीईएस एक एल्गोरिथम होती है जो कि इनक्रिप्सन का वर्क करती है इनक्रिप्शन का इनक्रिप्शन यह सभी साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज होने वाली टेक्निक होती हैं। इन टेक्निक को अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं हमसे यहां पर क्या पूछा गया है डेटा सिक्योरिटी में डीईएस का फॉर्म क्या होता है डीईएस का फॉर्म होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी का फॉर्म होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी एक एल्गोरिथम होती है जो कि डेटा के इनक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है और डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी में एईएस का फॉर्म क्या होता है अभी हमने देखा था डीईएस का फॉर्म अब हमसे पूछा गया है ए एस का फुलफॉर्म एस का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी फॉर्म है डेटा स्टैंडर्ड और एस का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड तो एस का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एच टी टी पी एस में एस का मीनिंग क्या होता है एच टी टी पी एस में एस का मीनिंग क्या होता है आपने एच टी टी पी भी पढ़ा होगा एच टी टी पी एच टी टी पी जो कि एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब एच टी टी पी का एक नया वर्जन भी आ गया है जिसका नाम है एच टी टी पी एस एस HTTP और एस दोनों ही प्रोटोकॉल हैं। एस का फुल का था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस में एस का मतलब होता है सिक्योर मतलब एच का फुल फॉर्म का क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर तो एस में एस का मीनिंग होता है सिक्योर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एस एल का फुल फॉर्म क्या होता है एस एस एल का फुल फॉर्म क्या होता है एस एस एल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर एस एस एल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर एस एस एल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर एस एस एल मतलब सिक्योर सॉकेट्स लेयर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है टी एल एस का फुलफॉर्म फुल क्या होता है टी एल एस का फुलफॉर्म क्या होता है टी एल एस टी एल एस का फुलफॉर्म फुल फुल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एस एस एल का फुलफॉर्म था सिक्योर सॉकेट लेयर टी एल एस का फुलफॉर्म क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टी एल एस का फुलफॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी एल का फुल फॉर्म क्या होता है यह yeah, सभी जो हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं यह yeah, सभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में यूज किए जाते हैं तो आपसे इन सभी के फुल फॉर्म जरूर पूछे जा सकते हैं ए सी एल का फुल फॉर्म क्या है हमें बताना है ए ए सी एल सी एल का फुल फॉर्म क्या है एक्सिस कंट्रोल लिस्ट एक्सिस कंट्रोल लिस्ट ए सी एल का फुल फॉर्म क्या होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क को अनऑथोराइज एक्सेस से कौन प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को अनऑथोराइज एक्सेस से कौन प्रोटेक्ट करता है यदि एक नेटवर्क को हमें अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है तो फायरवॉल की आवश्यकता होती है फायरवॉल फायरवॉल क्या होता है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि किसी नेटवर्क को मॉनिटर करता है मॉनिटर करता है मतलब नेटवर्क में किसी अनऑथोराइज यूजर को एक्सेस करने से रोकता है जो भी नेटवर्क के माध्यम से डेटा आता है उसकी फायरवॉल मॉनिटरिंग करता है उसको चेक करता है और उस डेटा को फिल्टर करके ही नेटवर्क में एंट्री देता है मतलब यदि नेटवर्क में कोई अनऑथोराइज यूजर एक्सेस करता है तो उसको फायरवॉल के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है तो फायरवॉल हमारे नेटवर्क में एक गेट का वर्क करता है जहां से जो भी डेटा हमारे नेटवर्क में आता है पहले उसको चेक किया जाता है यदि वह है, करेक्ट डेटा होता है अथोराइज डेटा होता है तो उसको नेटवर्क में परमिशन दी जाती है अदरवाइज उस डेटा को ब्लॉक कर दिया जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है फायरवॉल। फायरवॉल हमारे नेटवर्क को अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिक्योरिटी में बायरस का फॉर्म क्या होता है बायरस का फॉर्म कंप्यूटर सिक्योरिटी में वायरस का फॉर्म क्या होता है हमें बताना है वायरस वायरस जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है जिस प्रकार से अदर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर बायरस को भी बनाया जाता है और बायरस का फॉर्म होता है बाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज बाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज बाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फॉर्म होता है इटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस होता क्या है वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ब्लैंक होता है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ब्लैंक होता है अब हम यहां पर एक डायग्राम को समझने वाले हैं इस डायग्राम के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी में कई प्रकार की टेक्निक वर्क करती हैं जैसे कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट इन सब का नॉलेज आपको एक डायग्राम से हो जाएगा इस डायग्राम से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इस डायग्राम को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे नेटवर्क में जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो एक होता है सेंडर और जो हमारे मैसेज को रिसीव करता है वह होता है रिसीवर एक सेंडर है एक रिसीवर है सेंडर जब कोई मैसेज सेंड करता है तो वह प्लेन टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट मतलब जिसे हम नॉर्मल टेक्स्ट भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को एक मैसेज सेंड किया हाय यह हमारा प्लेन टेक्स्ट है या नॉर्मल टेक्स्ट है इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन क्रिप्शन अप्लाई करने से क्या होता है यह जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था वह बदल जाता है साइपर टेक्स्ट में साइपर टेक्स्ट क्या होता है साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता है मतलब हमारा जो हाई मैसेज था इसको एक सीक्रेट कोड में बदल दिया गया है अब यदि इस मैसेज को कोई समझना चाहे पढ़ना चाहे तो वह आसानी से उसको नहीं समझ सकता है यह साइपर टेक्स्ट नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर के पास भेजा जाता है और जब यह रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या करता है जो साइपर टेक्स्ट आया है उस साइपर टेक्स्ट को वापस बदल देता है प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में इस प्रकार से नेटवर्क में पूरी कम्युनिकेशन होती है मतलब सेंडर ने क्या सेंड किया था प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट उस पर क्या अप्लाई किया गया इनक्रिप्शन इंक्रिप्शन से हमारा प्लेन टेक्स्ट में बदल गया साइपर टेक्स्ट में एक सीक्रेट कोड में जिसको कोई यूजर आसानी से नहीं समझ सकता यह साइपर टेक्स्ट नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर के पास भेजा जाता है रिसीवर एंड पर इसमें डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है जिससे कि रिसीवर हमारे मैसेज को पढ़ पाता है यह पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है अब इस प्रोसेस में कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे इनक्रिप्सन क्या होता है डिक्रिप्शन क्या होता है साइपर टेक्स्ट क्या होता है इनक्रिप्शन किस एंड पर परफॉर्म होता है सेंडर एंड पर डिक्रिप्शन किस एंड पर परफॉर्म होता है रिसीवर एंड पर तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि हमसे क्या पूछा गया है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ब्लैंक होता है यदि हमें एक प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना है तो क्या यूज होगा वह क्या कहलाता है उसे कहा जाता है इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस डायग्राम से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे क्योंकि आज की पीपीटी में आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से संबंधित हैं तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम समझा जो कि पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को ब्लैंक कहा जाता है अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इनक्रिप्शन का अब दूसरा क्वेश्चन किसका पूछा गया हमसे डिक्रिप्शन का डिक्रिप्शन कहा अप्लाई होता है रिसीवर एंड पर और डिक्रिप्शन करता क्या है साइपर टेक्स्ट को वापस बदल देता है प्लेन टेक्स्ट में हमने पढ़ा था प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना तो इनक्रिप्शन था और यदि हमें टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना है तो डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज होगा इस क्वेश्चन का आंसर है डिक्रिप्शन से हम प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलते हैं जबकि साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्शन के द्वारा बदला जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रिप्शन में डेटा ब्लैंक में कन्वर्ट होता है इनक्रिप्शन में डेटा ब्लैंक में कन्वर्ट होता है जब हम इनक्रिप्शन लगाते हैं तो हमारा डेटा किस में बदल जाता है साइपर में बदल जाता है जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है या प्लेन टेक्स्ट होता है मतलब हमारा डेटा इंक्रिप्शन के द्वारा किस में बदल दिया जाता है साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है तो इंक्रिप्शन के द्वारा डेटा को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है साइपर देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है ईमेल जो हम करते हैं सेंड करते हैं रिसीव करते हैं उसको भी इनक्रिप्शन के द्वारा सिक्योर किया जाता है इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन नेटवर्किंग में यूज होता है जो कि इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ शेयर करने के लिए यूज होता है ईमेल को सिक्योर करने के लिए भी इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है यहाँ पर आपको ईमेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और तैयार करने हैं ईमेल का का फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल पहला ईमेल कब भेजा गया था आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट ईमेल कब सेंड किया गया था फर्स्ट ईमेल सेंड किया गया था 1971 में फर्स्ट ईमेल 1971 में सेंड किया गया था आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं फादर ऑफ ईमेल कहते हैं रे टॉम लिंसन को रे टॉम लिंसन ने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है तो ईमेल से संबंधित हमने तीन क्वेश्चन और तैयार कर लिए ईमेल का का फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल पहला ईमेल कब सेंड किया गया था सन 1971 में और पहला ईमेल किसने सेंड किया था रे टॉम लिंसन ने इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पीजीपी का पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रिटी गुड प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी गुड प्राइवेसी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रिप्शन के द्वारा ब्लैंक टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है इनक्रिप्शन के द्वारा ब्लैंक टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है आज की वीडियो में हमने जो डायग्राम समझा था उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इनक्रिप्शन के द्वारा क्या होता है जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यदि डिक्रिप्शन पूछा जाता आपसे डिक्रिप्शन तो साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन किस में बदल देता है नॉर्मल टेक्स्ट में तो इनक्रिप्शन के द्वारा नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है साइपर टेक्स्ट क्या होता है साइपर टेक्स्ट क्या होता है साइपर टेक्स्ट क्या होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जब हम नॉर्मल टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है साइपर टेक्स्ट बन जाता है मतलब साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है सीक्रेट कोड कह सकते हैं हम इसे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कह सकते हैं या एनकोडेड टेक्स्ट भी कह सकते हैं जो साइपर टेक्स्ट होता है वह सीक्रेट टेक्स्ट होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है या एनकोडेड टेक्स्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का आउटपुट होता है ब्लैंक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का आउटपुट होता है मतलब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो आउटपुट देती हैं वह क्या देती हैं डिक्रिप्शन का मतलब क्या है साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना मतलब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में साइपर टेक्स्ट इनपुट होता है और आउटपुट क्या मिल जाता है प्लेन टेक्स्ट आउटपुट में मिल जाता है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्लेन टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट होता है वह डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का आउटपुट होता है प्लेन टेक्स्ट देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस का फॉर्म क्या होता है डॉस का फॉर्म डॉस का फॉर्म क्या होता है डॉस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस का फुल फॉर्म था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है सीयूआई पर वर्क करता है लेकिन अब हमसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में डॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस डिनायल ऑफ सर्विस यह एक अटैक होता है जिसमें एक कंप्यूटर के द्वारा किसी यूजर के कंप्यूटर पर बहुत अधिक मात्रा में मैसेज सेंड किए जाते हैं रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं, जिससे यूजर के कंप्यूटर पर लोड आ जाता है जो यूजर का कंप्यूटर होता है वह हैंग करता है या वह वर्किंग में नहीं रहता है मतलब डॉस एक साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर के द्वारा यूजर के कंप्यूटर पर अननेसेसरी मैसेज भेजे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में जिससे यूजर के कंप्यूटर पर सर्वर पर लोड आ जाता है और यूजर का जो कंप्यूटर होता है सर्वर होता है वह हैंग करता है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता है इसे कहा जाता है डॉस अटैक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिनाइल ऑफ सर्विस देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डॉस का फॉर्म क्या होता है डी डॉस का फॉर्म क्या होता है अभी हमने देखा डॉस का फुल फॉर्म डॉस का फुल फॉर्म था डिनाइल ऑफ सर्विस अब हमसे पूछा गया है डी डॉस का फुल फॉर्म डी डॉस डी डॉस का फुलफॉर्म क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस अटैक में क्या हो रहा था यूजर के कंप्यूटर पर अटैकर अपने कंप्यूटर से अननेसेसरी मैसेज भेज रहा था लेकिन डी डॉस में क्या होगा अब जो अटैकर हैं वह मल्टीपल लोकेशन से या मल्टीपल कंप्यूटर से यूजर के कंप्यूटर पर मैसेज भेजेंगे जिससे यूजर के कंप्यूटर पर या सर्वर पर और अधिक मात्रा में लोड आ जाता है और यूजर का सर्वर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है यह कहलाता है डीडॉस अटैक डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जबकि डॉस का मतलब क्या था डिनाइल ऑफ सर्विस देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस एक ब्लैंक होता है कंप्यूटर वायरस क्या होता है हमें यहां पर बताना है कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस को भी कोडिंग से प्रोग्रामिंग से बनाया जाता है जिस प्रकार से अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उसी प्रकार से होता है कंप्यूटर वायरस तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है हमें यहां पर बताना है वायरस एक सॉफ्टवेयर है तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो वायरस होता है वह एक सॉफ्टवेयर है उस वायरस से कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है एंटीवायरस एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो जो एंटीवायरस होता है वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है करंट टाइम पर मल्टीपल कंपनी के एंटीवायरस होते हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में आईटी एक्ट कब पारित किया गया इंडिया में आईटी एक्ट कब पारित किया गया आईटी एक्ट क्या है आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का मतलब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया के अंदर जो भी साइबर क्राइम होते हैं या जो भी साइबर अटैक होते हैं इन सब के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं उन सभी कानून को आईटी एक्ट में रखा गया है और आईटी एक्ट का पूरा नाम है आईटी एक्ट 2000 क्यों क्योंकि इसे सन 2000 में पारित किया गया था तो इंडिया के अंदर जो भी साइबर क्राइम होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक, एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है आईटी एक्ट 2000, और यह सन 2000 में पारित किया गया था इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है आईटी एक्ट 2000। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज को जो मान्यता दी गई है वह आईटी एक्ट के द्वारा ही दी गई है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ई को ब्लैंक ई भी कहा जाता है जंक ईमेल को और कौन सा ईमेल कहा जाता है जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम ईमेल। जंक ईमेल को और क्या भी कहा जाता है स्पैम ईमेल। यह एक ऐसा ईमेल होता है जो यूजर के कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है नुकसानदायक होता है जर्नली जो फ्रॉड से संबंधित ईमेल होते हैं उन्हें कहा जाता है जंक ईमेल या स्पैम ईमेल तो जंक ईमेल का एक और नाम क्या होता है स्पैम ईमेल देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर वायरस फिक्स टाइम पर एक्टिवेट होता है या कौन सा कंप्यूटर वायरस फिक्स टाइम पर एक्टिव होता है ऐसा कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो एक निश्चित समय पर सक्रिय हो जाता है उस कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है टाइम बॉम्ब वायरस टाइम बॉम्ब वायरस एक ऐसा वायरस जो एक फिक्स समय पर एक्टिवेट होता है सक्रिय होता है और अपने वर्क को कंप्लीट करता है ऐसा कंप्यूटर वायरस जो एक फिक्स टाइम पर एक्टिव होता है या सक्रिय होता है या हम कह सकते हैं अपना वर्क परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है टाइम बॉम्ब वायरस इस क्वेश्चन का आंसर होगा टाइम बॉम्ब एक ऐसा वायरस जो एक निश्चित समय पे चलेगा टाइम पर चलेगा उसे बोला जाता है टाइम बॉम्ब वायरस तो आज की वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा है आप सभी क्वेश्चन को पढ़े समझें यदि आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद